पंजाब में अप्रैल में खाली हो रही पांचों राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग आज जारी करेगा नोटिफिकेशन। 21 मार्च को वोटिंग और नतीजे, 11 मार्च तक दाखिल होंगे नामांकन। एसवाईएल के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार को घेरा, कहा सरकार की कथनी और करनी में है फर्क, पानी की बस्ती पर कैप्टन निकालेंगे मार्च। अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने लोकसभा में उठाया एसवाईएल का मुद्दा। अकाली दल की तरफ से एसवाईएल पर केंद्र सरकार से मांगा जवाब, चंदूमाजरा ने कहा यूपीए सरकार ने पानी पर पंजाब के साथ किया गलत। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मांग रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बादल सरकार एसवाईएल के मुद्दे को लेकर दोहरी चाल चल रही है, जहां एक तरफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर रखा है और कहा है कि केंद्र सरकार एसवाईएल के जल्द मुकम्मल होने के पक्ष में है और अगर इस पर अकाली सरकार गंभीर है तो हरसिमरत कौर बादल को इस्तीफा देना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने चंडीगढ़ को पानी देने के लिए हामी भर दी है, ये जानकारी चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर अरुण सूद ने दी। मेयर ने बताया कि उन्होंने बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात की, जहां उन्होंने मोहाली के झनपुर गांव में एडिशनल वाटर सप्लाई पाइपलाइंस डालने के लिए जमीन की जरूरत के बारे में बात कही। सुखबीर बादल के पेश किए गए अकाली बीजेपी सरकार के रिपोर्ट कार्ड को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया झूठा। कैप्टन बोले सरकार ने कुछ नहीं किया, हर मोर्चे पर फेल रही सरकार। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह को प्रशांत किशोर से ढेर उम्मीदें, कहा प्रशांत केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को, बिहार में नीतीश कुमार को दिला चुके हैं जीत, पंजाब कांग्रेस के लिए भी अच्छा करेंगे प्रशांत। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने कहा कि असल में अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के भाग्य में सीएम बनना नहीं लिखा है, अब चाहे प्रशांत किशोर उनकी मदद करें या कोई और, अकाली दल को फर्क नहीं पड़ेगा। मलूका ने कहा कि बिहार में एनडीए प्रशांत किशोर की वजह से नहीं बल्कि बीजेपी के कई लीडर्स की गलतियों की वजह से हारे थे, लेकिन पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात नहीं बनने वाली। भिंडरावाला पोस्टर मामले में अरविंद केजरीवाल, सुच्चा सिंह छोटेपुर, संजय सिंह, भगवंत मान के खिलाफ मामला दर्ज कराने की लगाई गई याचिका, लुधियाना सेशन कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर आप नेताओं को भेजा समन, 19 मार्च को पेश होने को कहा। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मामला दर्ज होने को लेकर दिल्ली में पार्टी की तरफ से बयान आया। दिल्ली में पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में जाते हैं तो उन पर हमला होता है, पंजाब में कई साल हालात बिगड़े तो इन्होंने बिगाड़े, और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को लेकर पंजाब के लोगों में काफी उत्साह है। केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल और पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल दिल्ली में उदय नाम के एमओयू पर साइन करेंगे। उदय यानी उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, पंजाब ऐसा सातवां प्रदेश होगा जो उदय योजना पर साइन करेगा। उदय योजना का लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार। पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नामकरण का विवाद खत्म नहीं हुआ, दोनों राज्य शहीद भगत सिंह के नाम पर राजी हैं, लेकिन चंडीगढ़ और मोहाली पर पेच फंसा है। अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली रखा जाए, इसे लेकर मुख्यमंत्री से 8 मार्च को मुलाकात करेंगे ताकि 23 मार्च को भगत सिंह के शहीदी दिवस को समर्पित एयरपोर्ट का नामांकन हो सके।
पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा का भरोसा प्रदेश के हर वर्ग की उम्मीद पर रखा गया है। साल 2016-17 के पंजाब बजट में ख्याल, बोले किसानों के लिए खास होगा बजट। अमृतसर से कांग्रेस नेता मनदीप सिंह मना ने कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा जोशी अपने भाई के जरिए ठेकेदारों को डरा धमकाकर कई प्रोजेक्टों के टेंडर पूल करवाकर अपने चहेतों को दिला रहे हैं। केंद्रीय बजट के बाद पंजाब के लोगों की नजर पंजाब के बजट पर, जिसमें उन्हें उम्मीद है कि विशेष ऐलान हो सकते हैं। साथ ही अकाली दल सरकार के लिए इस कार्यकाल के खत्म होने और चुनाव नजदीक होने की वजह से भी लोगों को खासी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा ने संकेत दिए कि पंजाब का बजट लोगों के लिए, लोगों के हित में, खुशहाली और विकास को समर्पित होगा। कांग्रेस में शामिल हुए पंजाबी गायक बलकार सिद्धू ने कहा कि वो किसी स्वार्थ और लालच के बगैर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और जहां भी पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव में सीट देगी वो कांग्रेस को सीट जरूर जिता देंगे। बलकार सिद्धू ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने 9 साल के विकास नहीं विनाश किया है। यूथ कांग्रेस के नेता भूपिंदर सिंह गौरा ने कहा कि अगले महीने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह भटिंडा में पहुंच रहे हैं जहां वो सभी गांवों में जा जाकर नुक्कड़ मीटिंग करेंगे और लोगों और नौजवानों की समस्या सुनेंगे। अबोहर हत्या मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एसआईटी के 4 सदस्यों को भेजा नोटिस। हाईकोर्ट में लगाई गई है याचिका, पूरे होने वाले हैं 90 दिन, लेकिन एसआईटी ने अब तक पेश नहीं किया चालान। कानून के मुताबिक अगर 90 दिन में पेश नहीं किया जाता चालान तो सभी आरोपियों को जमानत मिल जाएगी। हाईकोर्ट में याचिका डालकर ये मांग की गई है और 90 दिन से पहले एसआईटी पेश करें चालान, और याचिका में पुलिस पर जानबूझकर चालान पेश ना करने के लगाए गए आरोप। 8 मार्च को होगी अगली कार्रवाई। सफेद मक्खी के बाद अब गेहूं पर काले तेला ने हमला बोल दिया है। काले तेला की वजह से संगरूर के किसान खर्च बढ़ने के साथ झाड़ की कमी के अंदेशे के चलते बेहद परेशान है। वहीं कृषि विभाग भी हरकत में है और स्प्रे का सुझाव दे रहा है। साथ ही सरकार की तरफ से भी किसानों के लिए हर मुमकिन मदद की बात कही जा रही है। चंडीगढ़ में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर का असर हुआ है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने कुछ दिन पहले चंडीगढ़ के फैदा गांव की खबर प्रमुखता के साथ दिखाई थी, जहां के लोग कई साल से बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। और जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन की नींद खुली और नगर निगम के मेयर अरुण सूद ने फैदा की काउंसलर जन्नत जहां और चीफ इंजीनियर मुकेश आनंद के साथ गाँव का दौरा किया और लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का फैसला किया। करगिल में देश के लिए जान देने वाले शहीद गुरविंदर सिंह के निवास स्थान की कॉलोनी का नाम शहीद गुरविंदर सिंह के नाम पर रखा गया था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने उनके नाम वाले लगे बोर्ड पर काला रंग लगाकर शहीद का अपमान किया, जिससे शहीद के पिता इतने दुखी हो गए कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर युरिंदर सिंह के पास जाकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगा डाली। शहीद के पिता का कहना है कि प्रशासन उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। मलेरकोटला के बच्चे पढ़ने के लिए शहर से गांव का रुख करते हैं, जिसकी वजह से मलेरकोटला में कोई भी सरकारी की वजह है कि मलेरकोटला में कोई भी सरकारी स्कूल 12वीं क्लास तक नहीं है। महज एक स्कूल है जो 10वीं तक है, जिससे गरीब बच्चों को काफी मुश्किल आती है। तरन तारण में चोर आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 4 दिनों में चोरों ने 2 ऐसे घरों को निशाना बनाया जिन घरों से लोग विदेश में रहते हैं। पुलिस ने फिलहाल दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना खेमकरण और तरन तारण सीआईए स्टाफ की टीम ने रातों के गांव के रहने वाले जग्गा सिंह को नाकेबंदी के दौरान गिरफ्तार किया। उसके पास से एक पाकिस्तानी सिम, 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। 28 फरवरी को अमृतसर में ज्वेलर्स के साथ हुई करोड़ों रुपए की लूट की वारदात को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को काबू कर लूटे गए जेवरात बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक इस वारदात की योजना सुनार के पड़ोसी युवक ने बनाई थी।